नमस्कार और स्वागत है आपके मेरे इस नए वीडियो में। तो साइंटिफिक एंड टेक्निकल पोस्ट के लिए NIC की तरफ से एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है, ठीक है। तो एक एक पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। तो कुल 598 पोस्ट के लिए ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस होने वाला है, ठीक है, जिसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका साइंटिस्ट ग्रुप ए, जिसमें टोटल 71 पोस्ट है, और साइंटिफिक ऑफिसर इंजीनियर जो है ग्रुप बी, इसका जो है 196 पोस्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। और तीसरा जो है वो है आपका साइंटिफिक टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप बी, ये है 331 पोस्ट। कुल मिलाकर के 598 पोस्ट के लिए ये वैकेंसीज है। यहाँ पे PWD के लिए 3, 8 और 14 पोस्ट जो है रिजर्व किया गया है। कैटेगरी वाइज यहाँ पे आप वैकेंसीज देख सकते हो। साइंटिस्ट बी में आपका ओपन कैटेगरी के लिए 30 है, SC के लिए 10, ST के लिए 5 और OBC के लिए 19 और EWS के लिए 7, ठीक है। वैसे ही साइंटिफिक ऑफिसर इंजीनियर में देखें तो ओपन कैटेगरी के लिए आपका 81, 29 है आपका SC के लिए और 14 है आपका ST के लिए और 52 है OBC के लिए और 20 EWS के लिए। वैसे ही साइंटिस्ट टेक्निकल असिस्टेंट की बात करें तो 134 ओपन कैटेगरी के लिए, 50 SC के लिए, 24 ST के लिए, 91 OBC के लिए और 32 EWS पोस्ट के लिए है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो साइंटिस्ट पोस्ट के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर एंड नेटवर्किंग सिक्योरिटी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर सिस्टम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, ठीक है, किसी में आपको BTEC, MTEC या MSc होना चाहिए, ठीक है। ऊपर सारी डिग्री यहाँ पे दी हुई हैं, ठीक है ना। वैसे ही साइंटिफिक ऑफिसर और इंजीनियर की बात करें तथा साइंटिफिक टेक्निकल असिस्टेंट की बात करें तो आपको यहाँ पे MSc, MS, MCA, BE या BTEC होना चाहिए। किसमें आपका फील्ड यहाँ पे दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन में, कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर एंड नेटवर्किंग सिक्योरिटी में, सॉफ्टवेयर सिस्टम में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में और इंफॉर्मेटिक्स में, ठीक है ना। तो किसी में आपका BE, BTEC, MCA, MS या MSc होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं एज लिमिट की। तो जो आपका कट ऑफ डेट रखा गया है आपकी एज को डिसाइड करने के लिए, वो है आपका 4 अप्रैल 2023। बात करें फॉर्म फिल करने के लिए तो 4 मार्च से जो है आपका फॉर्म फिल होना शुरू हो गया है, जो कि 4 अप्रैल तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। एज की बात करें तो सभी पोस्ट के लिए UR और EWS के लिए 30 और SC ST के लिए 35, OBC जिनके पास NCL है यानी कि नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट है उनका जो एज है वो 33, PWD कैंडिडेट्स के लिए 40 और जिनके पास NCL है उनके लिए 43, ठीक है ना। पोस्टिंग की बात करें तो यहाँ पे दिया हुआ है द पर्सन सेलेक्टेड मे बी पोस्टेड एनीवेयर इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया, ठीक है, इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इंडिया में कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है और इंडिया से बाहर भी आपकी पोस्टिंग पॉसिबल है। कैंडिडेट इस लिंक के माध्यम से अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, जो कि 4 मार्च 2023 से फॉर्म फिल करना शुरू हो चुका है, जो कि 4 अप्रैल 2023 तक शाम के 5:30 बजे तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। एग्ज़ाम सेंटर की बात करें तो यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है सिटीज़ की, आप देख सकते हो, अगरतला, अहमदाबाद, एजोल, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, दिल्ली, गंगटोक, गुवाहाटी, कोहिमा, शिलोंग, कोची, रांची, जम्मू, रायपुर, जयपुर, पटना, ईटानगर, मुंबई, विशाखापट्टनम, पोर्ट ब्लेयर, लखनऊ, इम्फाल, हैदराबाद, कोलकाता और शिमला, ये आपके एग्ज़ाम सेंटर होंगे। अप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो SC ST कैंडिडेट और वोमेन कैंडिडेट चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हों, उनका नील है यानी कि उनका 1 रुपया भी नहीं लगने वाला है। बाकी OBC, EWS और UR कैटेगरी के लिए 800 रुपये पे करना होगा। अगर आप तीनों पोस्ट के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपको 800 मल्टीपल 3 इतना पे करना पड़ेगा, यानी कि हर एक पोस्ट के लिए आपको 800 रुपया
पे करना है। सेलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो साइंटिस्ट और साइंटिफिक इंजीनियर ऑफिसर्स के लिए रिटन एग्ज़ाम प्लस इंटरव्यू दोनों होगा, ठीक है। और साइंटिफिक टेक्निकल असिस्टेंट के लिए केवल रिटन एग्ज़ाम आपको देना होगा, ठीक है। 120 क्वेश्चंस रहेंगे आपके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है ना। आपको 3 घंटे का टाइम मिलेगा और केवल इंग्लिश में ही पेपर होगा, बाकी किसी लैंग्वेज में नहीं होगा, ओनली इन इंग्लिश, ठीक है। 65% जो क्वेश्चंस होंगे आपके टेक्निकल एरियाज होंगे और 35% आपके जनरल एरियाज होंगे, ठीक है ना। सिलेबस जो है इसके साथ अटैच है, जो कि आप एडवर्टाइजमेंट के साथ देख सकते हो। मार्किंग की बात करें तो एवरी क्वेश्चंस विल कैरी 1 मार्क एंड देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25, यानी कि 1/4 आपका जो है नेगेटिव मार्किंग होगा हर एक रॉन्ग आंसर के लिए, ठीक है। एग्ज़ाम जो होगा आपका वो ऑनलाइन होगा, डिपेंड करता है कि कितने कैंडिडेट हैं। अगर कैंडिडेट ज़्यादा हैं तो बैच में यानी कि सेशन में शिफ्ट वाइज आपके एग्ज़ाम्स होंगे और नॉर्मलाइजेशन के अकॉर्डिंग आपकी मार्किंग होगी। डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए एक बार इस नोटिफिकेशन को ज़रूर पढ़ें, उसके बाद ही फॉर्म अप्लाई करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। धन्यवाद।